अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल चाल है मेरे भाइयों का, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके पहले सब्सक्राइब करो और प्रेस बेल आइकन। तो कैसे हैं आप लोग? आज तुम्हारा भाई दोबारा से एक न्यू ब्रांड बढ़िया व्लॉग के साथ फिर से आया। तो यार आज जो है वो ईद है तो तैयारियाँ चल रही हैं जोरों शोरों से। अभी क्या रात से तैयारियाँ बहुत ज़्यादा चल रही हैं। तो चलो अभी देखते हैं क्या खाना वगैरह बन रहा है। तो फिर ईद की नमाज़ होने वाली है, अभी टाइम हुआ है 6:30 होने वाले हैं। तो तकरीबन 7:30 बजे तक हम ईदगाह में जाएंगे, वहाँ नमाज़ पढ़ेंगे, फिर सबसे ईद मिलेंगे। तो अभी देखते हैं घर वाले खाना क्या बना रहे हैं, मामा क्या बना रही हैं। तो अभी किचन में चल के देखते हैं। हेलो मुमली साहब, ईद है आज, होश करो। ये देख मुँह देख अपना, होश करो। मामा जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या बना रहे हो, क्या बन रहा है? वाह जी वाह, ओए धुआं ही धुआं हो गया। ये बन रही है सेवीं है, और ये रहे, ये क्या है मम्मा? कोफ्ते बन रहे हैं। कोफ्ते बन रहे हैं भाई, मज़ा आ जाएगा यार आज। तो ये कोफ्ते बना रही हैं और मामा, और ये जो है ये सेवियाँ। वाह जी वाह। अभी जो है ना ईद की नमाज़ पढ़ के आगे फिर हमने खाना ये सब कुछ है ना मामा। हाँ फिर मिलेगा मामा, करीब ऐसे पहले नहीं मिलेगा, पहले नमाज़ पढ़ के। तो गाइस अभी चलते हैं हम डेरे पे। तो डेरे पे जो है वो गंदम पड़ी हुई है थोड़ी सी, वो देनी है बाबा जी को फितराने के जो दाने होते हैं ईद की नमाज़ से पहले देने होते हैं, वो देते हैं जाके। तो अभी जो है ना डेरे पे जाते हैं, फटाफट काम, 2 दिन काम है वो ख़त्म करके फ़ौरन से वापस आते हैं। बाइक पकड़े रोज़ाना यार ऐसे ही मौसम होता है सुबह का, लेकिन आज जो है ईद के दिन, ईद है ना बचपन से ही देखते आ रहे हैं कि सेम मौसम होता है रोज़ाना, लेकिन आज जो है ना अलग ही फीलिंग्स आ रही हैं। ठीक है, ठंडा ठंडा मौसम लग रहा है। ठीक है, ये देखो कितना मज़े का मौसम है सुबह सुबह का। ओए होए 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 होए, क्या बात है, ठंडी ठंडी हवाएँ लग रही हैं। तो अभी जो है ना डेरे पर चलते हैं, मुलाजिम का एड्रेस जो है वो भी उसको मैं दे आया हूँ, लेकिन उसको मैं पूछता हूँ कि सही है कि नहीं है। तो अभी चलते हैं फौरन। अरे पिंड गांव का ना डेरे की सफाई करने वाला बंदा है। बबे क्या हाल है? ठीक, 7:30 बजे ईदगाह में पहुंचना है और मैं सफाई करके फिर जाऊँगा। सफाई नहीं मार है, ये देखे गंद डला हुआ है नीचे, ये सारा गंद डला हुआ है, एक ये भी गंद डला हुआ है, इसने सफाई करनी है। आज इकराम को मैंने मना भी किया था कि इकराम तुमने ट्रैक्टर को नहीं छेड़ना, इसने फिर ट्रैक्टर को छेड़ा। इसे ट्राली बैग लग नहीं रही, पंगे ले रहा है वो, देखें ट्राली से बैग लग नहीं रही। तो चलो हम लगाते हैं ट्राली बैग। जी की गल जे, वेरी नाइस है, की गल जे बैग लान लगा तो लगी नहीं थोड़े को? लगी नहीं, मैं तैनू वेख के ले आया था, तो थोड़े को लगनी भी नहीं। चलो 7:30 बजे भाई जान ईदगाह दे विच पहुंचना है। ठीक है, नमाज हो रहा है, भाजी और ही आ गया, उस्ताद और ही आ गया, मैं फिर थल्ले ले गया। हैं, मैं कह भाजी और ही आ गया, नाले उस्ताद और ही आ गया, मैं फिर थल्ले ले गया, मेरे को बैग नहीं। भरावा माड़े बंदे हैं, उस्ताद तू ही हो गए ही यार। तो चलो ट्रैक्टर ट्राली जो है ना हम बैग लगा दें, तो फिर वो बाबा जी के दाने निकाल दें, जल्दी ही चलें घर जाके तैयार होना है, वरना फिर पापा से पड़ेगी डांट। विक्रम और ट्राली उतार यार आके। ट्राली मैंने लगा दी है तो बस इसको उतारना है। और ट्राली उतारो आगे, कोई गल नहीं, आ जा। लाइटर भी गाइस हो गया अंदर। तो अब जो है ना बाबा जी के दाने निकालें, इस गैराज में से चाबी लगाओ, चाबी। इकराम इधर आ भाई, इसको खोलो। ये इकराम ये दाने उठा, ये वाले तो उधर बाबे जी के जो सामान पड़ा है ना उसके उधर रख दे। ये तुले हुए हैं? हाँ ये तुले हुए हैं। 20 किलो है? यस 20 किलो है। बाकी बाबा और मांगेगा तो फिर शाम को कर लेंगे उसके साथ, अभी टाइम नहीं है, उसको कुछ पैसे भी देने हैं। चलो ये दो तुम उधर रख दे, राज को बंद करो दोबारा से।
तो गाइस गैराज को ताला वगैरह लग गया, अब चलें घर जाके टेलर से अपना सूट पकड़ें, क्योंकि मैंने अभी तक अपना सूट नहीं पकड़ा, तो जाके पहले अपना सूट पकड़ें और उसको प्रेस करें। घर के सामने जो है ना वो अपने चाचू जो है ना टेलर, उनकी दुकान है। चाचू जी और मेरा सूट दे दियो। गाइस की हाल है, की हाल है चाचू? मेरा मुंह धोना है। लो और टेलर साहब भी कह रहे हैं मेरा मुंह धोना है, मैंने कैमरे जाने लिया। लो भी मेरा ड्रेस सिल गया, तो अब जो है ना इसको प्रेस करें जल्दी से और रेडी हूँ फौरन से। चलो सूजी, क्या बात है? ओए नहीं नहीं पीछे पीछे पीछे, सूजी दरवाजे के आगे खड़ी है। चलो भाई आ जाओ, चलो भाई सूजी अंदर हो, चल सूजी अंदर आ गई है। चलो भाई कुंडी लगाते हैं, सूजी फिर से बाहर ना चली जाए, तो अब फटाफट रेडी होते हैं। चलो चलो भाई प्रेस करें, प्रेस को प्रेस कर लूँ कपड़ों को। प्रेस करने के बाद रेडी हो गया, आपको मिलते हैं, ठीक है? टाइम नहीं है तो कपड़े प्रेस करके रेडी हो गए, फिर मिलते हैं। A few moments later. देखो मेरे बंदे किथे जा रहे ने, यार दा नमाज पढ़ने बस जा रहे ने, तेरी तकदीर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हैदरी हैदरी गोसिया। फाइनली ईद की नमाज पढ़ी गई, ईद मुबारक भाई जान, ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक। क्या हाल है? ये तो मैं ये काम यहीं पे शुरू कर दिया, मैंने ये इधर ही शुरू कर दिया। ईद मुबारक भाई, ईद मुबारक। ओ जैदी आया जिसने तुम मुझे बोटियां नहीं थी। ईद मुबारक, ईद मुबारक। गाइस सबने अल्हम्दुलिल्लाह से ईद पढ़ ली है, शामिर ईद पढ़ ली, ईद मुबारक, ईद मुबारक। मैं ईद मुबारक कहना था, खैर मुबारक नहीं था कहना, ईद मुबारक आपको भी। ये मेरा बबलू है, मेरा छोटा भाई है मेरा, ये ईद मुबारक इसको भी। ईद मुबारक कैसे हसन है करी? ईद मुबारक ऐसा से तो मिला नहीं हसन, ईद मुबारक जी। चल दफा हो जाके रोटी लगा कर, भूख लग रही है। ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक। इकराम लेट हो गया था, आ जाए इकराम। ईद मुबारक इकराम साहब, क्या ठीक है? पढ़ के आया, मैंने पता मेरे अगे ही हैं। चलिए आ जा, दुआ मांगने चलिए कब्रिस्तान। गाइस अब जो है ना हम लोग कब्रिस्तान दुआ मांगते हैं तो फिर घर चलते हैं। चलो इकराम, चलो भाई इकराम को भूख लगी होगी है ना? नहीं खास तो नहीं है यार, मुझे तो बड़ी लग रही है, मैंने तो आगे कुछ भी नहीं खाया था। तो अभी जो है ना फटाफट दुआ मांगते हैं, दुआ मांग के तो फिर हम चलते हैं। गाइस तुम्हारे भाई के साथ ना आज सुबह सुबह ही जो है ना ईद वाले दिन ही बहुत बुरा हो गया। मैंने ना मोबाइल जो है ना व्लॉग शुरू करके और मोबाइल पॉकेट में डाल के बच्चों के लिए ना पैसे एक्सचेंज करवाने चला गया दुकान से। मैंने कहा बच्चों के लिए लेके आते हैं पैसे ताकि वो बच्चे मांगे के उनको देते हैं, तो वो ट्रोज़र की पॉकेट में थे, मोबाइल था, तो वो मेरा मोबाइल दिया करो यार। पूछा मैंने कुछ, मेरा मोबाइल गिर गया। बच्चों ने मांग, चलो खुद भी देंगे लेकिन बच्चों ने पीछे देनी थी मुझे पता है ना। तो गाइस मैं जो है ना मेरी पॉकेट, हम भी बच्चे हैं, हाँ हम भी बच्चे हैं, अभी अभी हमने ले ली घर जाके, अभी मेरी बात तो क्लियर होने दो। तो गाइस मैं मोबाइल मेरा गिर गया, तो मैं आपको गाइस फाइनल लुक नहीं दिखा सका अपनी जाते हुए। तो अभी जब हम ईदगाह में गए हैं ना तो उधर जो है एक पला मानस बंदा था, एक अच्छा आदमी था, जिसको आज में मेरा मोबाइल जिसे मिला रोड पर पड़ा हुआ, तो वॉल पेपर में मेरी पिक्चर लगी हुई थी, वो मुझे जानता था, उसने देख लिया। उसने ईदगाह में पहुँचते के साथ ही ना मुझे ना मोबाइल दिया, उसने कहा खान साहब आपका मोबाइल पड़ा था वहाँ पर। तो यार मेरे जान में जान मोबाइल मिलने की खुशी। तो यार मैं सुबह से टेंशन में यार, मैं कहा मैं लो भी मोबाइल गया, उसके अंदर इतना मेरा डाटा वगैरह वो सब कुछ है। तो गाइस मैं एक और बात आपको बताना भूल गया, ये शामिर है, शामिर ये कज़न है, लाहौर से आया हुआ है, क्योंकि ये आगे से पहले कभी भी नहीं आया यहाँ मेरे ब्लॉग्स के अंदर। ये ईद यहाँ मनाने आया और जा बड़े, तो ईद मनाने आया यहाँ पर, और हमारी फुप्पो और इसकी खाला उनकी शादी है परसों, परसों है परसों, परसों व्लॉग होगा उसका भी व्लॉग होगा, परसों शादी है, तो शादी भी आया है और ईद मनाने भी आया है। यार कज़नों और भाइयों के साथ ही तो ईद होती है, क्यों यार? एक कज़न जो है वो काली माता पता नहीं कहाँ चला गया, लंबे बालों वाली जिन, उसको ढूंढते हैं अभी जाके, उसको कुट लगाते हैं पकड़ के, वो नजर ही नहीं आया सुबह से यार। तो अब चलो घर चलते हैं जाके मामा से मिलते हैं। मैंने आपको भी बताया था ना बालों वाली डैन ये खड़ी, ठीक है इसकी नींद नहीं एक पूरी होती, ठीक है। चल यार ईद तो मिल रहे हैं, ये अब मिल रहे हैं, सलाम अलैकुम, ईद मुबारक भाई, बट साहब आपको भी ईद मुबारक, ठीक है।
ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਈਦ ਮੁਬਾਰਕ ਭਈਏ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਤੇ ਘਰ ਚੱਲਾਂ ਤੇ ਰਾਤ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਮਿਲਨੇ ਆ ਯਾਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਗਾਇਸ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਹੈ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਮ ਤੋ ਮਾਮਾ ਸੇ ਮਿਲਤੇ ਹੈ ਈਦੀ ਉਹ ਈਦੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਈਦ ਮਿਲਤੇ ਹੈ ਮਾਮਾ ਸੇ ਚਲੋ ਮਾਮਾ ਸੇ ਈਦੀ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਮਾਮਾ ਜੀ ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ ਈਦ ਮੁਬਾਰਕ ਈਦ ਮੁਬਾਰਕ ਈਦ ਮੁਬਾਰਕ ਈਦ ਮੁਬਾਰਕ ਕਿਆ ਈਦ ਮੁਬਾਰਕ ਖੈਰ ਮੁਬਾਰਕ ਚਾਚੀ ਆਪਕੋ ਵੀ ਈਦ ਮੁਬਾਰਕ ਮੋਟੋ ਆਪਕੋ ਵੀ ਈਦ ਮੁਬਾਰਕ ਦਾਦੋ ਕੋ ਵੀ ਈਦ ਮੁਬਾਰਕ ਦਾਦੋ ਈਦ ਮੁਬਾਰਕ ਮੰਮਾ ਮੇਰੀ ਈਦੀ ਈਦੀ ਦੇਤੀ ਹੋਗੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੋ ਸਵਈਆਂ ਖਾਓ ਖਾਣਾ ਖਾਓ ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਜੋ ਬਣਾ ਰਹਾ ਵੋ ਸਭ ਖਾਓ ਯਾਰ ਵੈਸੇ ਭੂਖ ਤਾਂ ਵਾਕਈ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਲੋ ਪਹਿਲੇ ਖਾਣਾ ਖਾਤਾ ਫਿਰ ਉਸਕੇ ਬਾਅਦ ਈਦੀ ਲੇਤੇ ਹੋਗੇ ਤੋ ਗਾਇਸ ਸਭ ਲੋਕ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਵੋ ਖਾਣੇ ਲੱਗੇ ਖਾਣਾ ਤੋ ਅਬ ਖਾਣਾ ਖਾ ਕੇ ਤੋ ਫਿਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਆ ਕਰਨਾ ਅਭੀ ਤੋ ਹਮਨੇ ਜਾਣਾ ਪੁੱਪੋ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਈਦੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਪੁੱਪੋ ਦੋਨੋਂ ਪੁੱਪੋ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣਾ ਈਦੀ ਮਿਲਣਾ ਤੋ ਫਿਰ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ੁਗਲ ਮੇਲਾ ਵੀ ਲਗਾਤੇ ਹੈ ਤੋ ਅਭੀ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਖਾਣਾ ਖਾਤੇ ਹੈ ਚਲੋ ਜੀ ਸਾਰੇ ਬੈਠ ਕੇ ਖਾਣਾ ਖਾਣੇ ਕੇ ਲੀਏ ਚਾਚੂ ਵੀ ਬੈਠ ਗਏ ਯੇ ਰੇ ਕੋਫਤੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਸ਼ੁਕਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਮੈਂ ਖਾਣਾ ਖਾ ਲਿਆ ਸ਼ਾਮਿਰ ਖਾਣਾ ਸਹੀ ਖਾਇਆ ਬਹੁਤ ਆਲਾ ਖਾਣਾ ਸੀ ਬਹੁਤ ਆਲਾ ਖਾਣਾ ਸੀ ਕੀ ਖਾਣਾ ਸੀ ਕੋਫਤੇ ਖਾਏ ਕੋਫਤੇ ਅਹਿਸਨ ਸਾਹਿਬ ਆਪਨੇ ਵੀ ਸਹੀ ਖਾਇਆ ਅਬ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਮੈਂ ਬੋਤਲ ਪੀਣ ਲੱਗੂ ਠੀਕ ਹੈ ਜ਼ਰਾ ਖਾਣਾ ਨੀਚੇ ਜਾਏ ਤੋ ਸਹੀ ਖਾਇਆ ਅਹਿਸਨ ਸਾਹਿਬ ਖਾਣਾ ਤੋ ਅਭੀ ਦੇਖਤੇ ਹੈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅ ਫਿਊ ਮੋਮੈਂਟਸ ਲੇਟਰ तो गाइस तुम्हारे भाई को मामा ने ईदी दे दी है ईदी मिल गई है और बाबा ने भी दे दी है ईदी तो ये मामा ने दी है अभी तो गाइस हाय अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अल्लाह का जितनी भी दी है मामा ने ये भी बहुत 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 ज़्यादा है गाइस ईद के दिन के अंदर आतिफ के घर के अंदर ना सारे फ्रेंड बैठे हैं ਡੈਡਾ ਤੈਨੂੰ ਆਉਣਾ ਪਿਓ ਈਦ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਦੀ ਇੰਜੋਇਮੈਂਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਆਤਮ ਵਟ ਕੇ ਘਰ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਵਲੌਗ ਕੇ ਅੰਦਰ ਬੋਟੀਆਂ ਖਾ ਰਹੇ ਸੀ ਮੁਝੇ ਖਿਲਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੋ ਯੇ ਆਤਮ ਕਜ਼ਨ ਹੈ ਕਿਆ ਬਾਲ ਹੈ ਭਾਈ ਠੀਕ ਹੋ ਯੇ ਉਮੈਰ ਉਮੈਰ ਹਮਸਾਇਆ ਹੈ ਹਮਾਰਾ ਯੇ ਆਤਮ ਕਾ ਭਾਈ ਹੈ ਯੇ ਤੋ ਉਸਕੋ ਪਤਾ ਆਪਕੋ ਕਾਲੀ ਡੈਣ ਹੈ ਔਰ ਯੇ ਮੁਜ਼ੰਮਿਲ ਔਰ ਸਮੀਰ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਆਪਕੋ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਗਾ ਹਮ ਲੋਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਇੰਜੋਏ ਤੋ ਅਭੀ ਚਲਤੇ ਹੈ ਘਰ ਅਭੀ ਕਹੀਂ ਔਰ ਵੀ ਨਾ ਦੇਖਦੇ ਕਿਆ ਸੀਨ ਹੈ ਅੱਛਾ ਤੋ ਗਾਇਸ ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਈ ਆ ਗਿਆ ਘਰ ਤੋ ਅਭੀ ਨਾ ਤੁਮ ਲੋਗੋ ਕੋ ਮੈਂ ਦਿਖਾਤਾ ਹੂੰ ਜੋ ਮੈਨੇ ਫੋਟੋ ਸ਼ੂਟ ਕੀਆ ਨਾ ਆਪਣੀ ਤਸਵੀਰੇ ਤੋ ਕੁਛ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਤਕਰੀਬਨ 5-6 ਤਸਵੀਰ ਬਣਾਈ ਮੁਜ਼ੰਮਿਲ ਇਤਨੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਹਾਂ 5-6 ਬਣਾਈ ਹੈ ਤੋ ਵੋ ਮੈਂ ਆਪਕੋ ਤਸਵੀਰੇ ਜੋ ਨਾ ਵਲੌਗ ਕੇ ਕੈਸੀ ਲੱਗੀ ਮੇਰੀ ਪਿਕਚਰਸ ਤੋ ਕਮੈਂਟ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬਤਾਨਾ ਮੇਰਾ ਜੋ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਹੈ ਨਾ ਫੋਟੋ ਸ਼ੂਟ ਜਿਸਨੇ ਤਸਵੀਰੇ ਬਣਾਈ ਹੈ ਉਹ ਯੇ ਬੈਠਾ ਮੁਜ਼ੰਮਿਲ ਯਾਰ ਅੱਛੀ ਬਣਾਈਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਮੈਂ ਜੈਸਾ ਕਹਿ ਰਹਾ ਥਾ ਇਸਨੇ ਵੈਸੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਮੁਝੇ ਲਗਾ ਥਾ ਕਿ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏਗਾ ਸਹੀ ਲੇਕਿਨ ਇਸਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਹੀ ਬਣਾਈ ਥੈਂਕ ਯੂ ਭਾਈ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਥਾ ਭਾਈ ਛੋਟਾ ਭਾਈ ਹੈ ਫਰਜ਼ ਥਾ ਤੋ ਗਾਇਸ ਈਦ ਕਾ ਦਿਨ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗੁਜ਼ਰਤਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਔਰ ਸਭੀ ਹੱਲਾ ਗੁੱਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅਬ ਉਹ ਜੋ ਤਾਹੌਰ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਤਫ ਔਰ ਆਤਫ ਬਰਡਰ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਮ ਹੈਡਮਰਾਲਾ ਜਾ ਰਹੇ ਚਲੋ ਮੈਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਤੁਮ ਲੋਕ ਜਾਓ ਫਿਰ ਸਹੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੋ ਅਭੀ ਜੋ ਹੈ ਯੇ ਆਪਣਾ ਮੀਡੀਆ ਬੈਠੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਠੀਕ ਹੈ ਮੁਜ਼ੰਮਿਲ ਅਹਿਸਨ ਸ਼ਾਮਿਰ ਲੱਕੀ ਤੋ ਥੱਕ ਗਏ ਹੈ ਲੇਟ ਗਏ ਹੈ ਤੋ ਅਬ ਜੋ ਹੈ ਅੱਜ ਕਾ ਵਲੌਗ ਮੈਂ ਇਧਰ ਹੀ ਐਂਡ ਕਰਤਾ ਹੂੰ ਜੀ ਜਿਸਕੋ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਹੋ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਮਾਈ ਚੈਨਲ ਯਾਰ ਜੋ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਮੋਬਾਈਲ ਗੁੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾ ਨਾ ਉਸਨੇ ਮੇਰੇ ਵਲੌਗ ਕਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰ ਦਿਆ ਆਜ ਕਾ ਵਲੌਗ ਮੈਂ ਇਧਰ ਹੀ ਐਂਡ ਕਰਤਾ ਹੂੰ ਦੁਆਓ ਮੈਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਖੁਸ਼ ਰਹੋ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਰਹੋ ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼